हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ट्रेडिंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और स्टॉक की बात करेंगे जिसको कि हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। स्टॉक का नाम है आपको HDFC बैंक और इसमें जो है काफ़ी अच्छा एक मौका दिख रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने ट्रेड किया था, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने इस लेवल पे इसको ट्रेड किया था जिसका कि आज आपको टारगेट आ गया। लेकिन इसमें जो है फिर आपको एक अच्छा मौका दिख रहा है क्योंकि पुल बैक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग आपको दिख रहा है, तो इसलिए मैं जो हूँ इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अभी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आया नहीं है। दो और जो है 5 से 6 पॉइंट अगर ये आपको नीचे आएगा, ऑलमोस्ट आपको इस लेवल पर अगर मिलता है 1575 के लेवल पर अगर मिलता है, तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए जो है आप लोग इसको अगर होल्ड करेंगे तो एक अच्छा टारगेट जो है आप लोगों को मिल जाएगा इसमें। जैसे इससे पहले हम लोगों ने 40 पॉइंट का टारगेट लिया 2 से 3 दिन, आपको आज थर्ड डे था उसका पोजीशन का, आपको जो है 30 अगस्त को हम लोगों ने इसको लिया था यहाँ पे और आज जो है इसको यहाँ पे निकाला। तो इसलिए जो है आप देखिए जो बीच में एक दिन होल्ड करना पड़ा और जो है आज के टाइम आज जो है 40 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। तो इसमें जो है एक और पुल बैक मुझे दिख रहा है और इस लेवल पे आके अगर ये और हॉवर करता है, आपको यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, जैसे आपको इस केस में किया था, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद जो है आपको ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया था। सिमिलर उसी तरह अगर ये यहाँ पे आपको पुल बैक लेता है और फिर अगर ऊपर की साइड आपको अप ट्रेंड स्टार्ट करता है, तो हम लोग जो है यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पे रहेगा 1565 के आसपास जो है आपको स्टॉप लॉस रहेगा इसका। एग्जैक्ट एंट्री आने पे जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो एक बार के लिए आप लोग जो इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिए, अगर फ्रेश एंट्री आता है इस लेवल पे तो आप लोग कर सकते हैं। 1575 के आसपास अगर ये आपको फ्रेश अप ट्रेंड दिखाने का कोशिश करता है तो फिर जो है आप लोग इसको 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं और जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।